दक्षिण दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी के हुडको प्लेस इलाके में एक घर से दो शव बरामद हुए। जिसने भी यह खबर सुनी दिल बैठ गया। एक साल पहले ही इस जोड़े की शादी हुई थी। एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी अजय पाल 37 साल के थे और उनकी पत्नी मोनिका की उम्र 32 साल थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। आज सुबह अचानक पति पत्नी के शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में सुसाइड की आशंका जताई गई। ऐसा बताया जा रहा है कि पहले पति ने जहर खाया, उसे लेकर पत्नी अस्पताल पहुंची, लेकिन बचाया नहीं जा सका। थोड़ी देर बाद पत्नी ने भी गेट बंद कर खुदकुशी कर ली। आसपास के लोग दुख जता रहे हैं कि इस परिवार को किसकी नजर लग गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डिफेंस कॉलोनी थाने को आधी रात 2:49 पर फोन आया। ट्रांजिट कैंप हुडको प्लेस के ब्लॉक 3A फ्लैट नंबर DB402 में सुसाइड की सूचना दी गई। महावीर एनक्लेव पालम के रहने वाले अजय पाल के दोस्त आशीष तिवारी ने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो यहां पर लॉक लगा मिला। एक सिक्योरिटी गार्ड से इसे तोड़वाया गया। अजय पाल सिंह की पत्नी मोनिका फर्श पर बेसुध अवस्था में मिली। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि मोनिका के पति अजय पाल सिंह ने भी रात में कुछ समय पहले सुसाइड किया था। वो जोरबाग मेट्रो स्टेशन के पास DGCA सेल में ऑपरेशन अधिकारी हुआ करते थे। उन्हें उनकी पत्नी मोनिका ही अस्पताल लेकर गई थी, लेकिन अजय को बचाया नहीं जा सका। कुछ देर बाद सदमे के चलते पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली। माना जा रहा है कि दोनों ने जहर खाया। हुडको दिल्ली का पॉश इलाका है। दोनों शवों को सफदरजंग मॉर्चरी में रखा गया। बताया जा रहा है कि अजय पाल ने हाल ही में कथित तौर पर एयरफोर्स छोड़ दी थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।